जब तक नानी गोपाल नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगा। और वैसे भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप अगर उसे खिलाएंगे तो वो जरूर खाएगा। मिस्टर बैरी, मैं उसे तब खिलाऊंगा जब आप हमारी सभी शर्तें मान लेंगे। क्यों नहीं, जरूर मानूंगा। सब लोगों को ठीक ढंग से खाना दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा मिस्टर बैरी। धर्म परिवर्तन नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। आप इतना कैसे बदल गए मिस्टर बैरी? यू आर फॉरगेटिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड। आई एम नॉट इंग्लिश, आई एम आयरिश। तो क्या हुआ? मैं फिर भी आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मैंने आपके इतने रूप देखे हैं मिस्टर बैरी कि मैं आपको अच्छी तरह समझता हूं। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और उस लड़के को भी खाना नहीं खिलाऊंगा जब तक कि हमारी यह खबर कमिश्नर साहब तक नहीं पहुंचती। हुजूर, हुजूर, वो सपोलिया के बच्चे की हालत बहुत खराब है। क्या नाम उसका? नानी गोपाल हुजूर। ओह माय गॉड, हुजूर जल्दी कीजिए हुजूर। मिस्टर सावरकर, अभी अभी मौका है, आप ही उसे बचा सकते हैं। नानी लो खाना खा लो, खा लो। मिस्टर बैरिस्टर, आराम से, दैट्स राइट, आराम से बैठो मिस्टर बैरिस्टर, वेरी गुड बॉस। नानी गोपाल, नानी गोपाल उठो, खाना खा लो। हाँ, देखो कौन आया है, बड़े बाबू आए हैं तुम्हें खाना खिलाने। हाँ देखो देखो। तुम बहुत बहादुर हो नानी गोपाल, तुम जीत गए। उठो खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारी सभी शर्तें मान ली गई हैं नानी गोपाल, उठो खाना खा लो। आपने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं भी खाऊंगा, तुम तो खाओ। पहले आप खाएंगे। मैं तुझे खिलाकर खाऊंगा नानी गोपाल। पहले से काफी फर्क है, बस कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। डॉक्टर दामोदर, मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आपने सचमुच मेरे जैसे अनेक बंदियों की सेवा की है। इट्स माय ड्यूटी। मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं, कोई चिट्ठी भेजनी हो तो कल शाम तक दे देना।
आपको कुछ दवाइयों की जरूरत है, मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से कहकर आपके लिए मंगवा देता हूं, ठीक है? डॉक्टर। यस सर। मिस्टर सावरकर के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए आप ले आइए। यस सर। नो नीड ऑफ माय परमिशन, ही शुड गेट क्योर्ड कंप्लीटली। श्योर। वेल मिस्टर सावरकर, मैं आपके लिए कुछ गुड न्यूज लेकर आया हूं। एक तो मैं जानता हूं मिस्टर बैरी अपने देश को पधारे। यस यू आर राइट मिस्टर सावरकर, ही वॉज एन अनजस्ट एंड क्रूएल पर्सन। गॉड ब्लेस हिम, ईश्वर ने उसे वैसा ही बनाया था। मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आई अप्रिशिएट योर ब्रॉड माइंडेडनेस मिस्टर सावरकर। एक खबर यह भी है कि अंग्रेजों के आगे जर्मनी ने कंप्लीट सरेंडर किया। मुझे आपको प्रसन्न देखकर प्रसन्नता हुई। जर्मन आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन पाए, अच्छा हुआ। परंतु ऐसे अवसर पर अंग्रेजों को यह भी तो सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने देशों की स्वतंत्रता छीन रखी है। बट मिस्टर सावरकर, मैं तो इस बात के लिए खुश हूं कि अंडमान के बहुत से कैदियों को स्वतंत्र किया जा रहा है। It's a good news. Of course, it's a good news. But I am sorry, Mr. Savarkar. आपको और आपके ब्रदर को छोड़े जाने के ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए। वे कभी आएंगे भी नहीं। But there is definitely one good news for you, Mr. Savarkar. आपके फैमिली के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। हाँ? Yes. वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं।